welcome back to An Academy Clat. I am Purva Chaudhary and aaj ki video mein we'll be discussing everything about our Clat 2024 syllabus. Hum pura ka pura syllabus decode karenge ki aakhirkar kaisa exam pattern hai aur kya kya in depth pucha jayega in our Clat examination. To chaliye shuru karte hain. तो सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ये क्लैट कंसोर्टियम की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है. एंड इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू में क्या बोला गया है, तो यूजी क्लैट 2023 ये पुराने क्लैट के लिए बोला गया है, हाउएवर द पैटर्न इज सेम, वुड फोकस ऑन इवेलुएटिंग द कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट्स. सो सबसे पहले क्या बोल दिया है, मेन जो है वो है कॉम्प्रिहेंशन. पूरा ही आपका जो एग्जाम है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बेस्ड होगा एंड रीजनिंग. राइट, क्लियर है? आई होप ये पढ़ के लाइन बाय लाइन हम डीकोड करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा. ओवरऑल इट इज डिजाइंड टू बी अ टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड एंड स्किल्स दैट आर नेसेसरी फॉर अ लीगल एजुकेशन रादर देन प्रायर नॉलेज. दो प्रायर नॉलेज ओकेजनली मे बी यूजफुल टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन इन करंट अफेयर सेक्शन. राइट, तो प्रायर नॉलेज की अगर हम बात करें जो आपकी स्टैटिक जीके है या फिर करंट अफेयर्स, राइट, करंट जो इवेंट्स हो रहे हैं, प्रायर नॉलेज थोड़े से सेक्शन में काम आएगी जब हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे. लेकिन वैसे सब कुछ अगर हम इंग्लिश की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, आपको पैसेजेस दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूड होता है या चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट सिमिलर टू ऑपोजिट टू, तो आपका रीजनिंग स्किल्स एनालाइज की जाएंगी. तो यूजी क्लैट शैल बी अ 2 आवर टेस्ट with 150 MCQs carrying 1 mark each. Negative marking of 0.25 marks. जब आप 4 answers गलत करेंगे तब जाके 1 mark आपका deduct होगा. These questions would be divided into 5 subjects. तो 5 sections हैं आपके paper में. English language, current affairs and general knowledge, legal reasoning, logical reasoning and quantitative techniques. क्लियर है? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर. इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग प्लस लीगल रीजनिंग प्लस जीके एंड करंट अफेयर्स प्लस आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथमेटिक्स, हाउएवर यू कॉल इट. राइट, चलिए तो सबसे पहले चलते हैं अपना इंग्लिश लैंग्वेज पे. In this section of UG CLAT 2023, you will be provided passages of about 450 words each. These passages will be derived from, कहां से आएंगे ये passages? Contemporary और historically significant. Significant यानी कि important fiction and non-fiction writing. हो सकता है real based हो सकता है fictional हो. And would be of a standard that a 12th standard student may be able to read in about 5 to 7 minutes. क्या level होगा इन comprehension का, जो एक 12th class का बच्चा 5 से 7 minute में completely read कर पाए. Each passage will be followed by a series of questions, जैसा आपने RC करते आए हैं हमेशा से, that will require you to demonstrate your comprehension and language skills. साथ ही साथ your abilities to read एंड कॉम्प्रीहेंड. रीड भाई, रीड तो हर कोई कर लेता है ना, लिटरेट तो है. कॉम्प्रीहेंड यानी कि अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है, द मेन पॉइंट डिस्कस्ड. तो सबसे पहली चीज जब आप आरसी करेंगे क्या देखना है कि मेन मुद्दा क्या है, मेन इशू क्या है, एज वेल एज एनी आर्ग्यूमेंट्स एंड व्यू पॉइंट्स डिस्कस्ड. क्या आर्ग्यूमेंट दिया है, क्या ओपिनियन दिया है, क्या व्यू पॉइंट दिया है और सेट आउट इन द पैसेज. तो दिख गए पहली चीज क्या देखनी है आरसी में, दूसरी चीज क्या देखनी है. भैया हमें तो सिलेबस से ही पता चल रहा है आरसी कैसे सॉल्व करना है. ड्रॉ इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द पैसेजेस. इन्फरेंसेस यानी कि आप क्या समझ पा रहे हैं, राइट, एडिशनल इंफॉर्मेशन. Conclusions, आप जो सीमित इंफॉर्मेशन है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, उसमें से क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं. समराइज द पैसेज, शॉर्ट में सम अप करना हो तो. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स और व्यू पॉइंट सेट आउट इन द पैसेज. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं.
अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन द पैसेज. वर्ड मीनिंग आ गया. ये है आपके सारे क्वेश्चंस जो आपके लैंग्वेज में आएंगे आरसी से निकल के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से निकल के. पूरा तरीका हमें पता चल गया हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है. यार सुपर्ब. आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स पे चलते हैं इंक्लूडिंग जीके. तो करंट अफेयर्स होता है करंट बेस्ड, जीके होता है स्टैटिक, जो कभी चेंज नहीं होती इंफॉर्मेशन. राइट, इन दिस सेक्शन यू विल बी प्रोवाइडेड पैसेजेस अप टू 450 वर्ड्स ईच. राइट, ये पैसेजेस कहां से आएंगे? न्यूज, जर्नलिस्टिक सोर्सेस एंड अदर नॉन फिक्शन राइटिंग. सब कुछ रियल बेस्ड होगा, फिक्शन का तो यहां कोई पॉइंट ही नहीं है. राइट, सो जर्नलिस्टिक सोर्सेस में आपके आ गए आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, राइट, एंड अदर नॉन फिक्शन राइटिंग, न्यूज़पेपर कटिंग्स. द क्वेश्चंस में इंक्लूड एंड एग्जामिनेशन ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन और नॉलेज डिस्कस्ड इन और रिलेटेड टू द पैसेज. या तो पैसेज में डिस्कस्ड होगी या फिर रिलेटेड होगी. जरूरी नहीं सारा कुछ पैसेजेस में से ही उठा के सिंपल सा दे देंगे, जी नहीं. बट वुड नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल नॉलेज ऑफ लॉ बियॉन्ड द पैसेज. जो पैसेज में डिस्कस्ड है उसी के आसपास पूछी जाएगी. ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाई अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन दैट विल रिक्वायर यू टू डिमॉन्स्ट्रेट योर अवेयरनेस. आप कितने अवेयर हैं हर एक एस्पेक्ट में. अगर भाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक वुमेन प्रेसिडेंट बनी तो उनसे पहले कौन थी, उनका टर्म क्या था, राइट, हर एक स्फेयर में अवेयरनेस. वो कहां से थी, द्रौपदी मुर्मू कहां से है, क्या उनका बैकग्राउंड है, कौन सा आर्टिकल है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट, कौन ओथ देता है, राइट. तो ये सब आपको अवेयरनेस बोला गया है. इंक्लूडिंग कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, सो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, आर्ट्स एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस. देख लिया यहां पे क्या आपके सब्जेक्ट्स बताए गए हैं. आगे चलते हैं, लीगल रीजनिंग हमारा थर्ड सेक्शन. दिस इज समथिंग न्यू. इन दिस सेक्शन यू विल बी एक्सपेक्टेड टू रीड पैसेजेस ऑफ अराउंड 450 वर्ड्स ईच. द पैसेजेस में रिलेट टू फैक्ट सिचुएशंस, एक सिचुएशन क्रिएट करके दे दी है, और सिनेरियोस इन्वॉल्विंग लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस और मॉरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज. यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ. You will benefit from a general awareness of contemporary legal and moral issues to better apply general principles or propositions to the given fact scenarios. इन्होंने बोल दिया additional information नहीं required, लेकिन बोला है कि general awareness of contemporary जो आज के समय में legal और moral issues हैं वो अगर पता है तो उससे फायदा हो सकता है. क्या questions पूछेंगे? Identify and infer the rules and principles set out in the passage. Apply such rules and principles to various fact situations. Understand how changes to the rules or principles may alter their application to various fact situations. तो सबसे पहले बताए भैया इस पे क्या rule apply होगा, नहीं क्या rule है जो इस पे apply हो सकता है. दूसरी बात है उसकी application. और अगर इसी rule को change कर दिया जाए, right? तो क्या होगा, ये एप्लीकेशन कैसे चेंज हो जाएगी, पूरी सिचुएशन एकदम रिवर्स हो जाएगी. राइट, सो दिस इज अबाउट योर लीगल रीजनिंग. आगे चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे. द लॉजिकल रीजनिंग नो लॉन्गर इंक्लूड्स योर यू नो सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, फैमिली रिलेशंस, डायरेक्शंस, एनालॉजी, ये सब. अब ये भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आएगा. It will include a series of short passages of about 300 words each. Each passage will be followed by one or more questions that will require you to recognize an argument, its premises and conclusions. Argument यानि कि main issue क्या है, ठीक है, उसके बारे में क्या बोला गया है and क्या हम conclude कर सकते हैं, right? Read and identify the arguments set out in the passage. Arguments जैसे मैंने बोला issues. Critically analyze patterns of reasoning and assess how conclusions may depend on particular premises or evidence. कैसे ये conclusions change हो सकते हैं depending on the situation.
इन्फेरेंस का मतलब है कि हमें ये इंफॉर्मेशन तो दे दी है, लेकिन इसको पढ़ के हमें एडिशनल क्या समझ में आ रहा है? एडिशनल वॉट फॉलोज फ्रॉम द पैसेज एंड अप्लाई दीज इन्फेरेंसेज टू न्यू सिचुएशंस. Draw relationships and analogies, identify contradictions and equivalence and assess the effectiveness of arguments. क्या बोला गया है? Draw relationships and analogies. यानी कि क्या relationship है दोनों के बीच में, कुछ भी जो दिया जाएगा आपके पास statement. Identify contradiction, opposite क्या है, equivalence, similar क्या है, right? जैसा reading comprehension में बोला जाता है. इफेक्टिवनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो ये सब आपको PYQ पास्ट ईयर पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करके पता चलेगा एक्चुअल में कैसे ये पूछेंगे, राइट? आगे चलते हैं लास्ट हमारे सेक्शन पे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. द क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन ऑफ UG CLAT 2023 विल इंक्लूड शॉर्ट सेट्स ऑफ फैक्ट्स और प्रोपोजिशंस, ग्राफ्स और अदर टेक्सचुअल, पिक्टोग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. तो यहाँ पे आपको डेटा दिया जाएगा, आपको उसको एनालाइज करना है. क्या करना है? यू विल बी रिक्वायर्ड टू डिराइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच पैसेजेस, ग्राफ्स एंड अदर रिप्रेजेंटेशंस एंड अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सच इंफॉर्मेशन. इन पे फिर मैथ करनी है. Questions will require you to derive, infer and manipulate numerical information set out in such passages, graphs or other representations. Apply various 10th standard mathematical operations. So, 10th standard ki maths on such information, including from areas such as ratio and proportions, basic algebra, mensuration and statistical estimation. अगेन कहाँ से पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आएंगे? पास्ट ईयर क्वेश्चंस. फटाफट से गूगल करो CUET 2023 क्वेश्चन पेपर एंड आपके सामने ये सब कुछ जो अभी हमने पढ़ा वो लाइव अप्लाई किया हुआ दिखेगा आपके क्वेश्चन पेपर में. परफेक्ट. सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर क्लैट 2024 सिलेबस. लेकिन खत्म करने से पहले एक और चीज है जो हमें यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलती है कि क्या चीजें हैं जिससे हम अपनी तैयारी को पक्का कर सकते हैं. प्रिपेयरिंग फॉर UG CLAT 2023, द कंसोर्टियम प्लान्स टू पब्लिश वेरियस प्रेपरेटरी मटेरियल्स, राइट, इंक्लूडिंग गाइड्स टू द क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर ईच सब्जेक्ट. तो वेबसाइट पब्लिश करती रहती है, लेकिन टूवर्ड्स दी व्हेन यू नो दे आर क्लोज टू द एग्जाम तब. लेकिन अब यहाँ पे मेन चीज क्या बोली गई है, हमें अपनी तरफ से क्या करना है. इन एडिशन यू शुड डेवलप योर कैपेसिटी टू रीड. आपको रीडिंग आनी चाहिए यार, आदत होनी चाहिए रीड करने की. एंड अंडरस्टैंड बॉडीज ऑफ टेक्स्ट. इंश्योर यू स्टे अब्रेस्ट ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स. आप अपडेटेड हैं न्यूज एंड करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है by regularly reading quality newspapers and periodicals and improve your speed of answering questions on quantitative techniques by practicing with materials such as 10th standard mathematical textbooks. 10th ki aap NCERT utha lijiye, kafi rahegi. वैसे ही कम क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से. समझे बात? तो क्या बोला गया है, जैसे मैंने सोर्सेज में बताया, स्टिक टू योर न्यूज़पेपर्स. मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर्स के लिए, प्रतियोगिता दर्पण, और भी किसी IAS कोचिंग की मैगजीन ले सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, राइट? रीड योर डेली न्यूज़पेपर रेगुलरली. एक दिन पढ़ लिया, हफ्ते में तीन दिन पढ़ लिया, ऐसे नहीं चलेगा, रेगुलरली, राइट? So we are finally done with our CLAT 2024 syllabus. I hope आपको थोड़ी सी clarity मिली है किस direction में जाना है, क्या आपसे मांगा जा रहा है through the official information. So thank you so much for watching. You are at An Academy CLAT. I hope you liked the video and if you did, please like, share and subscribe to the channel. Let's crack it.